हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो 5G स्मार्टफोन के बारे में। एक है लावा ब्लेज प्रो 5G और एक है नार्जो 60X 5G। तो इन दोनों 5G फ़ोन के जो कैमरे हैं उनमें आपको 50-50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। आज इन्हीं दोनों फ़ोन के कैमरा की टेस्टिंग करने वाले हैं और कौन सा बेस्ट कैमरा है हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लावा का देखेंगे, लावा का कैमरा कैसा है। तो लावा ब्लेज प्रो 5G में आपको पीछे की तरफ से 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको नाइट मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, फिल्म मोड, पोर्ट्रेट मोड और ब्यूटी मोड, इन जैसे सभी फीचर्स अवेलेबल दिए गए हैं। अल्ट्रा HD मोड भी है, प्रो मोड भी है और साथ ही साथ में आपको स्लो मोशन और टाइम लैप्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ब्लेज प्रो 5G में आपको पीछे की तरफ से आपको 10x की जूम देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने 10x का जूम कर लिया है और करने के बाद भी आप पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया गया है और काफ़ी कम प्राइस में ये फ़ोन आता है। और उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये इसका जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ में आपको पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छा मिलता है इस फ़ोन के साथ। मैंने कुछ अलग से मैंने फ़ोटो खींच के रखा है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा और आपको बताना है कि आपको कौन सा फ़ोटो सबसे बेस्ट लगा है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो गाइस, लावा का कैमरा का टेस्टिंग हो गए, तो अभी चलिए नार्जो 60X का कैमरा टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें भी आपको पीछे की तरफ से 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो पीछे की तरफ से जो कैमरा दिया गया है आप देख सकते हैं, ये है फोटो मोड, इसमें भी आपको नाइट मोड मिल जाएगा, साथ ही में स्ट्रीट मोड दिया गया है, वीडियो मोड तो है ही, फोटो मोड है, नॉर्मल फोटो मोड और उसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो ओरिजिनल 50 मेगापिक्सल का कैमरा मोड भी मिलेगा। इसी फ़ोन में आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो मोड भी अवेलेबल है नार्जो 60X में, जो कि लावा ब्लेज प्रो में आपको डुअल वीडियो मोड नहीं दिया गया है। और लावा 60X में भी आपको 10X का जूम देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 10X जूम करने के बाद भी पिक्चर क्वालिटी में काफ़ी अच्छा खासा आप देख सकते हैं, कोई भी क्रैक वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आउटडोर पर मैंने कुछ फ़ोटो खींचा है, वो सब देखते हैं और आपको बताना है कि कौन सा फ़ोटो आपको बेस्ट लगा है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. सो गाइस, दोनों फ़ोन की कैमरा टेस्टिंग हो गई और आप देख सकते हैं ये है वीडियो टेस्टिंग। मैंने दोनों फ़ोन की वीडियो कैप्चर किया था, तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, दोनों फ़ोन की कैमरा टेस्टिंग हो गई है, नार्जो 60X और लावा ब्लेज प्रो 5G। तो आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट लगा, कौन सा कैमरा सबसे बेस्ट लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।